गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ऑर्थोगोनल सिग्नल डिस्कस करेंगे। तो ऑर्थोगोनल सिग्नल क्या होते हैं? बेसिकली ऑर्थोगोनल सिग्नल वो सिग्नल कहलाते हैं जो दो सिग्नल को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनकी जो वैल्यू हो वो ज़ीरो आए, उनकी वैल्यू जो है ज़ीरो आए, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर उनका इंटीग्रेशन करें दोनों का सिग्नल का तो वो हमारे पास ज़ीरो आए। तो डेफिनेशन लिखेंगे, सिग्नल्स एक्स वन टी आर एक्स वन टी एंड एक्स टू टी आर सेट टू बी सेट टू बी ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल इफ कंडीशन क्या है? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स वन टी इंटू एक्स टू टी डी टी इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। सिग्नल एक्स वन टी एंड एक्स टू टी आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ़ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स वन टी इंटू एक्स टू टी डी टी इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेशन एक्स वन टी एक्स टू टी का क्या मतलब हुआ कि उस सिग्नल का एरिया अगर हम निकालें और दोनों एरिया को मल्टीप्लाई करें तो उनकी वैल्यू हमें ज़ीरो मिलनी चाहिए। एरिया को ऐड कर दें तो उनकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? ज़ीरो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस चीज़ को क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये इक्वल हम लाइन खींच रहे हैं, स्पेस इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सिग्नल है ये इस तरीके से सिग्नल है, उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा नीचे और उसके बाद ये सिग्नल इस तरीके से यहाँ तक, इस लाइन को हम और एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि इसके बाद भी सिग्नल हमें बनाना है। ओके, तो ये यहाँ तक सिग्नल आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है सिग्नल, इस जगह से यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस तरीके से, फिर यहाँ से, फिर ये इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि इसमें यहाँ पे थोड़ा सा पता चले कि ये सिग्नल की लाइन है, ये है ये वाली जो हमारे पास लाइन है, इसका यहाँ पे एम्पलीट्यूड है 4, इसका यहाँ पे ये वाले का है -4, इस वाले का है -6। ओके, तो ये हमारा है पहला सिग्नल x1t, ये वाला जो हमारा सिग्नल है वो है x1t। उसके बाद यहीं पे एक और सिग्नल हम बनाते हैं x2t के लिए, यहाँ पे एक सिग्नल बनाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर से कर लेते हैं, ये रहने देते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे x2t का हम सिग्नल बनाएंगे, x2t यहाँ -2 से स्टार्ट हो रहा है एम्पलीट्यूड, -2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 एम्पलीट्यूड पे जा रहा है यहाँ पे, उसके बाद फिर इस तरीके से वापस, उसके बाद -4 पे यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे इस तरीके से, उसके बाद वापस से यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिग्नल है
सेकेंड एक्स टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे फोर है एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे है माइनस फोर, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है माइनस फोर, ठीक है। तो एक एक्स वन टी है, एक एक्स टू टी है। अब इसको बताना है कि ये सिग्नल ऑर्थोगोनल है कि नहीं, ये दोनों सिग्नल। अब इसको ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया इनका फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करेंगे, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन टी या इंटीग्रेशन किसी भी सिग्नल का, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, उसका एरिया। तो अब हम एरिया फाइंड करते हैं, उसके बाद एरिया फाइंड करके हम उसको मल्टीप्लाई करके एक थर्ड सिग्नल बनाएंगे, और वो थर्ड सिग्नल यहीं पे हम इसके नीचे साइड में बना देंगे। तो उसके लिए स्पेस यहाँ पे है, तो उसको हम बना लेंगे। तो इसको ये भी हमारा दिखता रहेगा सामने। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन, ये लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं, ये लाइन, क्योंकि अगर इसको साइड में बनाएंगे तो वो कंपैरिजन उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे जो एक सिग्नल बनाएंगे वो होगा एक्स वन टी एक्स टू टी का इंटू एक्स टू टी, एक्स वन टी एक्स टू टी का ये सिग्नल यहाँ पे होगा, ठीक है। ये अब देखेंगे कैसे कैसे हम करते हैं। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी दे रखा है, ये हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है टू, ये है फोर, ये है टाइम ड्यूरेशन सिक्स, ओके। टू है, फोर है, सिक्स है। अब इसमें बताना है, अब क्या करेंगे, देखिए ज़ीरो से टाइम ड्यूरेशन टू के बीच में ये एरिया है, ठीक है, और एक ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड को पहले देखेंगे, एम्पलीट्यूड यहाँ पे फोर है और यहाँ पे कितना है, माइनस टू है। तो फोर इंटू माइनस टू कितना होगा, माइनस एट होगा। तो यहाँ पे माइनस एट हम एक मेज़रमेंट के थ्रू इस तरीके से लिख देंगे कि इतना हमारा माइनस एट होगा, ओके, माइनस एट। उसके बाद फिर ज़ीरो से टू के बीच में हमने माइनस एट बना लिया है। अब टू से फोर के बीच में देखेंगे, टू से फोर के बीच में यहाँ एम्पलीट्यूड माइनस फोर है और यहाँ एम्पलीट्यूड कितना है, प्लस फोर है। तो माइनस फोर और प्लस फोर का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस सिक्सटीन आएगा। तो माइनस सिक्सटीन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, माइनस सिक्सटीन, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे माइनस सिक्सटीन, ये वाला, ये जो है वो माइनस सिक्सटीन है। उसके बाद फोर टू सिक्स के बीच में यहाँ पे माइनस सिक्स है और यहाँ पे कितना है, माइनस फोर है। तो ये माइनस सिक्स और माइनस फोर कितना हो जाएगा, सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ट्वेंटी फोर में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में आएगा फोर से सिक्स के बीच में, तो एम्पलीट्यूड हमने पॉजिटिव कर दिया है और इसको हम बोल देंगे ये हमारा कितना है, ट्वेंटी फोर, ओके, ये हम बोल देंगे इसको ट्वेंटी फोर है। तो अब इसको लाइन ज्वाइन कर देंगे टोटल, ये हमको मिल गया कहाँ कहाँ एम्पलीट्यूड कितना कितना है। ये इस तरीके से है, पहले माइनस एट, उसके बाद फिर इस तरीके से गया है माइनस सिक्सटीन, उसके बाद फिर डायरेक्ट माइनस से प्लस गया है ट्वेंटी फोर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे एरिया के बाद, निगेटिव में कितना एरिया है और पॉजिटिव में एरिया कितना है। एक तो ये निगेटिव एरिया हो गया, ये वाला, उसके बाद एक यहाँ पे है पॉजिटिव एरिया। यहाँ पे
माइनस एट है और ये ज़ीरो से टू के बीच में है, तो ज़ीरो से टू के बीच में, तो अगर इसका इतने का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो कितना आएगा, टू इंटू माइनस एट कितना आएगा, माइनस सिक्सटीन। ओके, इसका एरिया आएगा माइनस सिक्सटीन, इसका एरिया निकालना है तो कितना आएगा, यहाँ पे है फोर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, टू है, टू इंटू माइनस सिक्सटीन, एरिया ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, हाइट और ब्रेथ या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ, इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे बीच में इसकी डिस्टेंस है टू, तो टू इंटू माइनस सिक्सटीन कितना होगा, माइनस थर्टी टू, माइनस थर्टी टू इसका है, इसका कितना है, माइनस सिक्सटीन, तो दोनों का मिला के कितना होगा, दोनों का ऐड करने के बाद में कितना होगा, माइनस सिक्सटीन और माइनस थर्टी टू, ये होगा माइनस फोर्टी एट, माइनस फोर्टी एट। प्लस में यहाँ पे कितना है, देखिए ये फोर है, यहाँ पे होगा सिक्स टाइम ज़ीरो टू फोर सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स, तो मतलब यहाँ पे बीच का डिस्टेंस कितना है, टू है, और इसका यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, ट्वेंटी फोर है, तो टू इंटू ट्वेंटी फोर कितना होगा, इसका एरिया, इसका एरिया होगा फोर्टी एट, प्लस में होगा, इसका पॉजिटिव में है एरिया, इसका है निगेटिव में एरिया, तो माइनस फोर्टी एट और यहाँ प्लस फोर्टी एट है। ओके, तो टोटल जब ऐड करेंगे इसको तो कितना आएगा, टोटल ऐड करने के बाद ज़ीरो आएगा, एक तरफ निगेटिव में माइनस फोर्टी एट है और इधर पॉजिटिव में प्लस फोर्टी एट है, दोनों का एरिया को ऐड करेंगे तो दोनों का एरिया क्या आ रहा है, ऐड करने के बाद ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा सिग्नल दे रखा है एक्स वन टी और एक्स टू टी, ये हमारे सिग्नल हैं ऑर्थोगोनल। ओके, तो ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए हमेशा सिग्नल जब भी इस टाइप के दिए होंगे तो उसमें क्या करेंगे, देख लेंगे कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है। ये वाला सिग्नल पहला दिया हुआ है, दूसरा सिग्नल दिया हुआ है, सबसे पहले x1t और x2t दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो जो जो एम्पलीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको लिख लेंगे, सबके पहले एम्पलीट्यूड लिख लेंगे, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई करके दोनों के, उसके बाद में क्या करेंगे, ड्यूरेशन देख लेंगे कितनी कितनी ड्यूरेशन है, उसके बाद जब ड्यूरेशन लिख लिए अब देख लेंगे कि इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई इसकी एम्पलीट्यूड, तो इसका एरिया मिल जाएगा, इसका एरिया फाइंड करना है तो ये बीच में डिस्टेंस टू है और इसकी जो हाइट है कितनी है, माइनस सिक्सटीन है, थर्टी टू हो जाएगा, थर्टी टू माइनस एटीन कितना हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन कितना हो जाएगा, माइनस फोर्टी एट, और यहाँ पे बीच में डिस्टेंस टू है और एम्पलीट्यूड ट्वेंटी फोर है तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, फोर्टी एट प्लस फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट, दोनों को ऐड करेंगे ज़ीरो आएगा, मतलब ये जो हमारे दोनों सिग्नल है वो ऑर्थोगोनल है। इस तरीके से ऑर्थोगोनल चेक करेंगे हम सिग्नल। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू।